राजस्थान प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ोतरी के साथ कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे राज्य सरकार समेत स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी अब बढ़ने लगी हैं। राजस्थान की बात करें तो अब तक प्रदेश भर में 300 से भी अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधवार को कोरोना संक्रमण के चलते बाड़मेर शहर की निवासी एक महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर BL मंसूरिया ने बताया कि महिला बाड़मेर शहर के शिवनगर की निवासी थी, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था और 26 मई को महिला को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया था, जहां उसका कोरोना नमूना लिए जाने पर जांच में नेगेटिव पाई गई थी और स्वस्थ होकर 30 मई को यह महिला घर भी लौटी थी। मंगलवार रात को स्वास्थ्य में तकलीफ होने के चलते इसे जिला अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद बुधवार सुबह उसका कोरोना नमूना लेकर कोविड केयर सेंटर भिजवाया गया था, जहां उपचार के दौरान दोपहर को महिला की मौत हो गई और बुधवार शाम आई जांच रिपोर्ट में मृत का कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पहली कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हुई, कहां की महिला थी, कब उनको भर्ती किया गया था? ये महिला बेसिकली जो है COPD की मरीज थी पहले से ही, और हाइपरटेंशन और सेलाइटिस का तो प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ पे 26 मई को भी भर्ती हुई थी, 3 दिन हमारे पास रही थी और फिर हमने इसको जो है जोधपुर रेफर किया था और वहाँ पे कोविड का टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट नेगेटिव आया था और वहाँ पे 30 तारीख को दूसरा लोग वापस घर आ गई थी, यहाँ शिवनगर बाड़मेर की रहने वाली थी और 16 तारीख तक वो ठीक थी। कल रात को जो है इसको सांस में तकलीफ और हाइपरटेंशन के कारण इसको हॉस्पिटल लाए थे, तो हमारे कोविड वाले ICU में इसको भर्ती कर दिया था और सुबह हमने सैंपल लेके भेज दिया और उसके दरमियान जो है 11-12 बजे के आसपास जो है इसकी डेथ होगी। अभी कॉलेज से जो रिपोर्ट आई है वो इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कल जो 25 पेंडिंग थी उसमें से 15 की रिपोर्ट आ गई है, उसमें से एक पॉजिटिव आया है नेहरू नगर का है और 10 अभी भी पेंडिंग है। सर आज कितने लें लगभग सैंपल लिए? आज हमने जो है 115 सैंपल लेके भेजे हैं। फिलहाल मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। गौरतलब है कि जिले भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 153 हो गया है और कोरोना संक्रमण के जद में आए लोगों में से बाड़मेर में यह पहली मौत है।